तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ हींग से होने वाले कुछ जबरदस्त उपाय। हींग जो कि हमारे खाने में इस्तेमाल होती है और इस हींग के खाने के इस्तेमाल के साथ साथ इस हींग के कुछ तांत्रिक प्रयोग भी हैं और ये तांत्रिक प्रयोग आपके ऊपर किसी तरह से नज़रदोष, तंत्र, बाधा या परेशानी, किसी भी तरह की ऐसी परेशानी जो आपको लगता है कि किसी की दूसरों की नज़र की वजह से लगती है, आपके काम धाम पर किसी तरह की नज़र लग गई है, आपको जीवन में अपने कुछ ना कुछ अटकाव महसूस होते हैं, कुछ ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, पहले तो बहुत अच्छा था पर अब कुछ अच्छा नहीं है, यही सब परेशानियों को आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे दूर किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, जो हमारे जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी खाने पीने के होते हैं या फिर हमारे इर्द गिर्द जो भी होते हैं, इन सब का संबंध हमारे ग्रहों से कहीं ना कहीं होता है। जैसे कि अगर हम हींग की बात करें तो हींग हमारे खाने में इस्तेमाल होती है और कुछ मात्रा में ही इस्तेमाल होती है। इसका एक तीखापन यानी कि एक तीखी भी खुशबू जो होती है वो कहीं ना कहीं बुरी शक्तियों को भी दूर रखती है। आपने कई बार देखा होगा लोगों को गूगल इस्तेमाल करते हैं, लोबान इस्तेमाल करते हैं, जटामासी इस्तेमाल करते हैं, कपूर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से कहीं ना कहीं ये जो हींग है हमारे खाद्य पदार्थ में भी इस्तेमाल होती है और साथ ही साथ हमारे ग्रहों को सही करने में काफ़ी मददगार है। तो अब हींग को हम तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो यही हमारे लिए वरदान साबित हो जाएगी। हमारी सेहत, कोई पेट डाइजेशन संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसमें रामबाण की तरह काम करती है हींग। किसी भी तरह से डाइजेशन की प्रॉब्लम है, हींग का सेवन करिए, खाने पीने में इस्तेमाल करिए। अब दूसरी तरफ जो बच्चे होते हैं छोटे, उनको जब पेट की प्रॉब्लम होती है किसी भी तरह की, तब माँ या दादी क्या करती है, थोड़ी सी हींग को गर्म पानी में हल्का सा लेप सा बना के पेट के नाभि के इर्द गिर्द लगा देते हैं, जिससे कि बच्चे को आराम मिल जाता है, क्योंकि बच्चा तो सिर्फ रोके बताएगा। यहाँ तक कि बड़े जो लोग हैं उनको भी इस तरह का लेप बनाकर नाभि के इर्द गिर्द लगा देना चाहिए, अपने पेट के नीचे वाले हिस्से की तरफ यानी कि नाभि से नीचे की तरफ लगा देना चाहिए। देखिए तुरंत आपको राहत मिलेगी। अब दूसरी तरफ यही हींग इस्तेमाल होती है तंत्र बाधाओं को, किसी तरह की नज़र दोष, बुरी शक्तियों को भगाने के लिए। अब ये बुरी शक्तियाँ करती क्या हैं? बुरी शक्तियों, जैसे कि नाम से ही साबित हो रहा है कि बुरी शक्तियाँ, ऐसी नेगेटिव एनर्जी जो कि आपके आसपास घूमती रहती हैं। आपका जीवन एक छोटे से पौधे के समान होता है, जिसको अगर सही ढंग से प्रोटेक्शन ना दी जाए तो वो पौधा बढ़ ना पाता। तो इसी तरीके से आपके जीवन पर हर तरह की बुरी शक्तियाँ कहीं ना कहीं से असर करती हैं। अगर आपका शरीर या ऑरा इतना स्ट्रांग हो कि उन बुरी शक्तियों को दूर रख सके तो आप अपने जो काम सोचते हो वो काम कर सकते हो, अन्यथा आप इन्हीं सब परेशानियों में उलझे रहते हो। मान लीजिए आपको नज़र लग गई, आपका तो मूड ख़राब रहेगा, पूरा दिन शरीर में भारीपन रहेगा, परेशानियाँ रहेंगी, तब ऐसे केस में क्या करना है? आपको लगता है कि आप कहीं अच्छे काम से जा रहे हो और कुछ उस काम में किसी भी प्रकार से विघ्न या बाधा ना आए, तब आपको हींग का उपाय करना है। बच्चे को नज़र बहुत लगती है तब हींग का उपाय करना है। किसी प्रकार से आप सफ़र कर रहे हो बच्चे को लेके, या फिर आप खुद सफ़र कर रहे हो, या फिर रात के समय आपको किसी प्रकार से ये भय रहता है कि कोई बुरी शक्ति आएगी आपको दबाएगी, कोई बुरी शक्ति आएगी आपकी नींद ख़राब करेगी, आपको बुरे सपने या फिर डरावनी चीज़ें रात को दिखाई देती है, तब आपको हींग का उपाय करना है। आपका बिजनेस काम धाम कहीं पर बुरी नज़र से प्रभावित होता है, अच्छा काम कर रहे हो, अच्छी सेल थी, अच्छी दुकानदारी थी, सब कुछ था, पर पता नहीं ये क्या हो गया, तब इन सब के लिए एक हींग का उपाय। आप हींग लीजिए देसी वाली, जो इस तरह से आपको फोटो में दिखाई दे रही है, ये उबड़ खाबड़ सा एक पदार्थ होता है, तरल होता है, सूखने के बाद इस तरह का हो जाता है। आपने ये हींग लेनी है, थोड़ी सी मात्रा में हींग लेनी है। ये हींग आपने अपने बेड के पास रात को रखनी है। अगर रात को आपको बुरी चीज़ें, बुरी शक्तियाँ, इस तरह की चीज़ें परेशान करती हैं, रात को अपने बेड के पास, सिरहाने के पास, हेड साइड जहाँ तकिया रखते हैं उसके आसपास रख लीजिए, आपको चैन की नींद आएगी। बच्चे को लेकर जा रहे हैं कहीं पर तो ये हींग किसी लाल कपड़े में बांध कर आप बच्चे के साथ में, उसके कपड़ों के साथ ही कहीं पर भी आप इसको सिलाई कर दीजिए, या फिर आप सेफ्टी पिन लगा दीजिए, कुछ भी, जैसे बच्चों का रुमाल लगाते हैं इस तरह से लगा दीजिए। बच्चे को मजाल है किसी प्रकार की बुरी शक्ति पकड़ सके, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हाँ बुरी शक्ति उसको परेशान करे। बच्चा हंसता खेलता आपके साथ गया था, हंसता खेलता ही आएगा, परेशान नहीं होगा।
क्योंकि बच्चे की परेशानी सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है माँ बाप की। दिक्कत परेशानियाँ अगर आती हैं तो सब काम छोड़कर बच्चों की परवरिश में ही इंसान, बच्चों की देखरेख में ही इंसान लग जाता है। तो आप अच्छे काम कर रहे हो, करते रहिए, किसी प्रकार की रुकावट बच्चों के ज़रिए ना हो तो ये काम करिए। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें, और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए, इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली, जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ, आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो, और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। अब वो ज़रूरी काम जो कि आपको अपनी दुकानदारी या फिर कार्यस्थल को आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए करना है, किसी प्रकार की नज़र है तो वो भी दूर हटे। हींग का छोटा सा टुकड़ा लीजिए, वो आप अपने दुकान में या फिर आप अपने कारखाने में या फिर आपके जो भी आपका एरिया है उस एरिया में आप बिखेर दीजिए, रात को बिखेर दीजिए, सुबह के समय झाड़ू लगवा के बाहर कर दीजिए। ये काम करते रहिए और समय समय पर हींग की छोटी सी, बिल्कुल हल्की सी गोली अपने काउंटर पर रखिए, ताकि किसी भी प्रकार की नज़र ना लगे, किसी भी प्रकार की आपके दुकान पर बुरी नज़र से आपका काम धंधा प्रभावित ना हो। और समय समय पर ये हींग की गोली जो आपने रखी, एक दिन बाद इसको आप बाहर फेंक दीजिए। हींग का छोटा सा टुकड़ा होगा, वो आप अपने हाथ से तोड़ के रख सकते हैं, किसी को दिखाई भी नहीं देगा, कोई पूछेगा भी नहीं, क्या आप थोड़ा सा अपने टेबल पर जो भी सामान रखा उसके पीछे कहीं छुपा के रख दीजिए। देखिए किस तरह से ये हींग सौंधी सौंधी खुशबू वाली आपके जीवन में एक अच्छी खुशबू का संचार बढ़ाएगी, जो आप बुरी शक्तियां नज़र से प्रभावित हो इन सब से आप बचोगे। तो दोस्तों, है ना हींग के कितने ज़बरदस्त फ़ायदे, अब इन सभी का फ़ायदा लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर आप उन लोगों तक शेयर करिए जिसको इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और लाइक ज़रूर करिए ताकि YouTube आगे ये वीडियो लोगों तक भेज सके। आपका लाइक एक मनोबल बढ़ाने का काम करता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप लाइक ज़रूर करें, बाकी शेयर करिए। बाकी कमेंट सेक्शन में आपका कोई भी सवाल है तो आप लिखिए, आपके जवाब दिए जाएंगे। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।